नमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ति अरहंताणम नमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ति सीताणम नमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ति आयिर्याणम नमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ति उवचायणम नमोलोये श्रोत्रिकाळवर्ति शवशावणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचे एगो में शाश्वत उपाग ज्ञान दर्शन लखनऊ शेषा में भाईरा भावा सभी संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय खरे कई अन्य मारु जरी परमाणु मात्र नथी अरे। जे जाण तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर ये पणे ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लय खरे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक नायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथा एने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाने जे कर्मो दे निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूं श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्रावृत हो। तू स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेहने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नम शितेभ्य नम शितेभ्य नम शितेभ्य। अशोकनगर में ये जो भव्य जैन मंदिर को 18 साल हुआ ना, 18 साल की पूर्णाहुति के दिनों पर जो अपन ने एक स्वाध्याय का कार्यक्रम रखा है उस कार्यक्रम में अपन ने जो गाथा चुनी है वो समय सार की तात्पर्य वृत्ति टीका की जयसेन आचार्य भगवान की 320वीं गाथा है। 320वीं गाथा पूज्य गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय थी और ये 320वीं गाथा का इतिहास ऐसा है कि ये गाथा सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री ने राजकोट में ली थी। सबसे पहली बार ये गाथा का स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने राजकोट में किया था। ये टीका का अनुवाद भी नहीं हुआ था, वो रात में एक आदमी को भेजा गया सोनगढ़ और सोनगढ़ से उसका अनुवाद होके आया और सवेरे पूज्य गुरुदेव श्री जब प्रवचन करने के लिए तैयार हुए तो वहां पे वो अनुवाद हुआ आ गया था। तो पूज्य गुरुदेव श्री को भी आश्चर्य हुआ कि ये कल रात को तो अपनी बात हो रही है और इतनी जल्दी से सवेरे कैसे ये आ गया। तो ये 320वीं गाथा का प्रकरण ऐसा है कि गुरुदेव की तो को तो प्रिय थी ये गाथा, मगर ये गाथा पहली बार गुरुदेव श्री ने राजकोट में ली तो श्रोताओं को भी इतनी प्रिय हो गई गाथा कि गुरुदेव को बार बार बोला करते थे कि ये गाथा का स्वाध्याय हम लोगों को करवाइए आप। तो ऐसी ये कोई अनमोल अपूर्व गाथा है, माने कि जिनागम का जो रहस्य और जो सार है वो पूरा सार ये 320वीं गाथा में भरा हुआ है। ये जयसेन आचार्य की जो टीका है
उसमें इस तरीके से स्वाध्याय एक 320वीं गाथा का ही पूज्य गुरुदेव श्री ने करवाया है, मगर बार बार उसका रेफरेंस भी पूज्य गुरुदेव श्री कई गाथाओं का देते हैं, जयसेन आचार्य की गाथाओं का भी। माने कि आचार्य भगवान की कोई भी रचना होती है, कोई भी गाथाएं होती है, तो उसमें सब में वितरागता कैसे प्रकट होवे जीवों को, और सब जीव अपना वितराग स्वरूपी निर्विकल्प स्वभावी भगवान आत्मा जो चैतन्य देव अंदर में विराजमान है, उसको कैसे पहचान ले, उसका उसको कैसे पता चल जाए। आचार्यों का हृदय यही होता है कि वो तो विकल्प में आके ये रचना करते हैं, तो उनके लिए तो वो नुकसान का कारण है, मगर वो विकल्प में आके रचना करते हैं तो उस जो रचना का निमित्तपना पाके अपन भव्य श्रोताओं के लिए वो बहुत फायदा हो जाता है उसमें। तो ये आचार्य भगवान अपना नुकसान करके जो भी बात लिखते हैं विकल्पात्मक दशा में आके, तो उनको कोई ऐसा, सभी आचार्यों को भाव भी नहीं आता है कि ऐसी रचना में करूं और श्रोताओं का भला हो जाए, ऐसा सभी आचार्यों को भाव नहीं आता है। कोई कोई आचार्य को ही ऐसा भाव आता है तो वो रचना करते हैं, बाकी तो अधिकांश जीव तो अपने स्वरूप में लीन होके वितरागता प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष में चले जाते हैं। ऐसे कोई अपने भव्य भाग्य के अनुसार ये टीका अपने हाथ में आई और ये जयसेन आचार्य की टीका का विस्तार, टीका यानी विस्तार माने कि पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्य के हृदय में जाके इसका स्पष्टीकरण किया, ऐसा स्पष्टीकरण भी अपने पास प्रवचनों के माध्यम से उपलब्ध है। तो ये ऐसी कोई अद्भुत टीका है, इसमें अद्भुत भाव भरे हैं। 320वीं गाथा में संपूर्णतया जानना देखना सिद्ध किया है कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा अपने स्वभाव से जानन देखन हार ही रह गया है, अकेला उसका कोई भी कार्य हो तो मात्र जानना देखना, मात्र ज्ञान क्रिया और देखने की क्रिया, उसके सिवा कोई वो कर्ता भोक्ता होता ही नहीं कोई परिणाम का। ऐसा जानना देखना उसका जो स्वभाव है वो इस गाथा में बतलाया गया है। ये जो गाथा में जो बतलाया गया है उसमें ये ध्येय पूर्वक ज्ञेय जो पुस्तक है उसमें 12 प्रवचन 70 की साल के छपे हुए हैं जो आपके पास है। उसके बाद में भी पूज्य गुरुदेव श्री ने 73 में 77 में 79 में 10 प्रवचन 8 प्रवचन 11 प्रवचन ऐसे बहुत प्रवचन किए हुए हैं, और कई कई जगह पे पूज्य गुरुदेव श्री जाते तो स्पेशियल 3-3, 4-4 प्रवचन इसके भी होते रहते थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री का जो ये अपने ऊपर उपकार है कि ऐसी ऐसी गाथाओं का स्पष्टीकरण एकदम सरल शैली से आगम का सारभूत अध्यात्म परोसने का जो कार्य है उनका, आगम सामने रख के आगम में जो लिखा है उसका मर्म अध्यात्म शैली से निकालना, ये पूज्य गुरुदेव श्री की कोई अलौकिक शैली है। तो ऐसी जो गाथा है अपन उसका स्वाध्याय करेंगे 5 दिन, सवेरे और रात को दोनों टाइम यही गाथा चलाएंगे।
और दोपहर को भाई साहब के साथ अभी बात हुई है, 45 मिनट का अपन चर्चा का प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखेंगे। इस तरीके से अपना 1 तारीख का कार्यक्रम रहेगा। तो ये जो कुनकुन आचार्य भगवान ने गाथा लिखी, परमागमों की रचनाएं की, कुनकुन आचार्य देव को भरत क्षेत्र में आए, कुनकुन आचार्य देव कई साल बाद में उसको ऐसा लगा कि यहां भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ भी नहीं है, सर्वज्ञ के दर्शन दुर्लभ हो गए, पंचम काल है, तो उसकी खुद की कोई लब्धि और देवलोग उसके मित्र थे, तो वो 8 दिन के लिए सदैव महाविदेह क्षेत्र में गए। महाविदेह क्षेत्र में जाके सिमंदर भगवान की प्रत्यक्ष देशना का उनने पान किया और वहां केवली श्रुत केवलियों के साथ भी उसने चर्चा की, और वो चर्चा करके आके 8 दिन के बाद यहां आके पोनूर हिल पर उसने ये परमागमों की रचनाएं की। ये रचना सबसे पहले तो प्रवचन सार की रचना हुई कि जो सम्यक ज्ञान प्रधान शास्त्र है उसमें पूरा वस्तु का द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप दिखलाया है। समय सार अप्रतिबुद्ध अनादि का जो जीव है वो प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए उसके लिए बनाया। ऐसे ही पंचास्तिकाए अष्टपावड़ और नियमसार, नियमसार तो उसने अपनी खुद की भावना के लिए लिखा है, तो उसमें तो नियमसार में तो उसने ऐसी ही भावना भाई है कि सातवें छठवें गुणस्थान में आचार्य और मुनिराज झूलते रहते हैं और ये गुणस्थान आगे बढ़ के श्रेणी में कैसे चढ़ जाऊं, सपक श्रेणी चढ़ के वितरागता प्रकट करके केवल ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो जाए, ऐसी अपनी निज स्वरूप में परिपूर्ण लीन होने की भावना के लिए नियमसार शास्त्र की रचना उन्होंने की है। ऐसी जो पंच परमागम की रचना की, इसमें ये जो समयसार जी ग्रंथाधिराज है वो अनादि का जो अप्रतिबुद्ध जीव है, जिसको कभी प्रतिबुद्ध पुना हुआ नहीं है और मोराग द्वेष का परिणाम प्रति समय अपनी पर्याय में बहिर्लक्ष से चलता रहता है, तो वो अनादि की मोह की जो गांठ है वो कैसे निकल जाए, मोहराग द्वेष का परिणाम जाके सम्यक दर्शन और वितरागता का परिणाम कैसे प्रकट हो जाए जीवों को, इसके लिए ये समय सार की रचना कुनकुन आचार्य देव ने की है। समय सार ग्रंथाधिराज जो है वो पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आया, तो उसके हाथ में आया तो उनके शब्द सर पड़े कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, माने कि जिसको शरीर रहित होना हो उसके लिए ये शास्त्र निमित है। समय सार दो जगह पे है, एक निमित पने ये शास्त्र समयसार है और वो निमित अपना समयसार स्वरूप शुद्धात्मा को दिखाता है। तो ये समयसार की रचना जो है उसका निमित पना ऐसा है कि त्वरित में जीव इसको सुन के, इसको समझ के, इसका चिंतन करके, भाव भाषण करके अपने स्वरूप में डूब जावे,
तो शरीर रहित होने की उपलब्धि इसमें छिपी हुई है। ऐसी रचना कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सारजी परमागम में की है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 78 में उसके हाथ में 1978 में ये समय सारजी परमागम आया। उसके बाद में 1982 में उसके हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक राजकोट में से मिला उसको। 1978 में दामनगर में से दामोदर के सेठ के पास से समयसार ग्रंथादि राज मिला और उनको ये समयसार मिला तो ऐसी धुन चढ़ गई उसको कि नहीं खाना नहीं पीना नहीं कुछ दूसरा विचार करना, बस समयसार लेके बैठ जाना, समयसार लेके बैठ जाना। वहां जो विछिया में आपने कोई देखा होगा, वहां एक जाड़ पेड़ था, एक वो पेड़ के नीचे अंदर बखोल जैसा था, वहां जाके पूज्य गुरुदेव श्री बैठ जाते थे और समयसार लेके चले जाते थे और शाम तक वापिस ही नहीं आते थे और शाम को मात्र पानी पी के उसका जो भी क्रम था वो पूरा कर लेते थे। ऐसी धुन समयसार मिलने से उसको चढ़ गई थी और बाद में जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक हाथ में आया, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो पढ़ते 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 उनको ऐसा अंदर से स्फुरित होने लगा कि जो मुझे चाहिए वो इसी में ही है, इसी में सब भरा हुआ है, जो मेरी सोच चलती है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। ऐसा ऐसा कीमती ग्रंथ लगा उसको वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब का। तो वो दोनों ग्रंथ से उसको पता चल गया कि मैंने 24वें साल में संप्रदाय में दीक्षा ली थी, 21 साल और 4 महीना में संप्रदाय में रहा, तो वो 21 साल और 4 महीने रहे उसमें 24वीं साल से माने कि 46 में उसका जन्म हुआ, 70 की साल में उसने दीक्षा ली और 78 में समयसार हाथ में आया और 82 में उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक हाथ में आया। तो उसको ये दो ग्रंथ हाथ में आया तो उसको पता चल गया कि ये जो संप्रदाय में मैं रह रहा हूं ये बातें सही नहीं है। दिगंबर आचार्यों ने, दिगंबर साधकों ने जो बातें लिखी है वही मेरा हृदय है, वही मेरे अंदर में भरा हुआ है और वही मैंने सुना है। ऐसा उसको अंदर से भाव भाषण होने लगा और भाव भाषण होते होते ये ग्रंथ पढ़ते 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 ही उसको ऐसा स्फुरित हो गया कि यही मार्ग सही है। उसी टाइम उसने निर्णय कर लिया कि मैं यही मार्ग में आगे बढ़ूंगा और कभी भी ये संप्रदाय को मैं छोड़ दूंगा। फिर 78 से 91 तक हजारों दिगंबर शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया उसने, हजारों, जो भी उसमें दिगंबर शास्त्र उसके हाथ में आ जाए उसको लेके बैठ जाए और पूरा पूरा पढ़ ले। वे 13 साल तक, जैसे पांडव, 5 पांडव थे, वो 13 साल वनवास, 12 साल और 1 साल 13 साल रहे थे ना, ऐसे ही 13 साल तक इसने उंडाण से मंथन किया शास्त्रों का, गहराई से, गहराई से उसने मंथन किया, गहराई से सोचा कि इसमें दिगंबर आचार्य क्या कहना चाहते हैं, ये मर्म क्या है इसका। उसने 13 साल तक गुप्त में रह के, गुप्तवास में ये शास्त्र पढ़ के निर्णय उसका था, जो उसका स्वरूप का निर्णय उसको अंदर से आया कि यही मार्ग सही है, वो पक्का कर लिया उसने एकदम, यही सत्य है, यही बात के ऊपर मैं अडिग रहूंगा। ऐसा उसने एक निर्णय उसका पक्का करके
फिर उसने परिवर्तन किया। ऐसे ये अपने पूज्य गुरुदेव श्री है कि जिसने शास्त्र खोलना हमको सिखाया, शास्त्र कैसे पढ़ना वो हमको सिखाया, शास्त्र की एक एक लाइन का अर्थ वहां लिखा है वो किस अपेक्षा से होता है वो भी अपने को सिखाया कि ये व्यवहार का कथन है, ये निश्चय का कथन है, ये निमित्त से बात चलती है कि ये उपादान से बात चलती है, ये सब पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को सिखाया। अन्य मत में तो माने कि श्वेतांबर स्थानकवासी मत में तो कुछ था ही नहीं, वहां तो लोगों को कुछ पता ही नहीं था। दिगंबर समाज में भी पूज्य गुरुदेव श्री जब आए तब है ने अंधकार फैला हुआ था अध्यात्म का। आगम में बातें थी, आगम पढ़ा भी जाता था, मगर आगम का सारभूत अध्यात्म उसमें से कोई नहीं निकाल पाता था। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि ये आगम है, वो आगम में से अध्यात्म कैसे निकालना और वो अध्यात्म निकाल के उसमें कैसे डूबना, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने सिखाया। बड़े बड़े त्यागी थे, बड़े बड़े विद्वान थे, किसी को भी अध्यात्म की छांट नहीं थी, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने खोला। तब वो लोग भी शास्त्र पढ़ के देखने लगे कि नहीं नहीं ये बात तो सही है, इसमें तो ऐसा ही अर्थ निकलता है। क्योंकि शास्त्र में क्या है, शास्त्र नियम से व्यवहार से भरा हुआ होता है और व्यवहार है ना वो कथन मात्र होता है, व्यवहार के बिना रचना नहीं हो सकती, क्योंकि निश्चय का तो कथन ही नहीं होता है, कथन व्यवहार का ही होता है, निश्चय का कथन ही नहीं होता है, कथन बोलो तो व्यवहार हो गया। तो उसमें से जो अध्यात्म निकालना, उसमें से निश्चय निकालना, उसमें से स्वरूप का भाव निकालना, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने आदर करवाया अपने को कि इसमें ये लिखा है, ये कथन व्यवहार से है, पूर्व पर्याय में ऐसा व्यवहार था, ऐसा ज्ञान कराया है, उत्तर पर्याय में निश्चय कैसे प्रकट होता है ऐसा पूर्व पर्याय में ज्ञान कराया जाता है। तो किसी को ऐसा लगता है व्यवहार से निश्चय होता है, ऐसा नहीं है, ये सब चीजें पूज्य गुरुदेव श्री ने आगम में से निकाल के अपने को बताई, इसलिए वो अपने अनंत उपकारी है, उसका उपकार कभी भुला नहीं जा सकता। ऐसे ये महापुरुष, ऐसे ये जो अपने को राह दिखाने वाले, माने कि देशना तो सिमंदर भगवान की होती है, उसका हृदय आचार्य ने पहचाना है, और आचार्य का हृदय क्या है उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया है। परंपरा तो तीर्थंकरों से चली आती है, परंपरा तो तीर्थंकरों से चली आती है। तो ऐसा जो भाव भाषण कराने वाला पुरुष, उसने जो ये 45-45 साल तक सोनगढ़ सुवर्णपुरी में रह के जो अपनी साधना की, अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग को दृढ़ करके उसने जैसे आगे बढ़ाया, ऐसे श्रोता के सामने भी इस तरीके से बात रखी कि जैसे तीर्थंकर भगवान, आचार्य भगवान और साधक जीव जैसे अपनी साधना करते हैं, उसी में एक का ही आश्रय लेके साधना होती है, वो एक जो है वो अपना परिपूर्ण तत्व है, वो ज्ञायक भाव है, वो भूतार स्वभाव है, वो कृत्य पदार्थ है, वो एक रूप अखंड निज तत्व है, वो परम पारिणामिक भाव लक्षण से भरा पड़ा तत्व है, वो ज्ञान और आनंद का पिंड है, वो चैतन्य की चेतना से लबालब भरा हुआ अपना एक शुद्ध तत्व है। वो तत्व का जब तू आश्रय करेगा,
वो तत्व का जब तेरे को आदर होगा, वो तत्व की जब तेरे को पहचान होगी, तो ये मोह राग द्वेष के जो परिणाम बहिर्लक्ष से चलते हैं, वो उधर से तेरा उपयोग छूट के अपना उपयोगवान की तरफ चला जाएगा। ऐसा उपयोगवान जीव तू है, ऐसा अकर्ता स्वभावी परमात्मा तू है, ऐसा जानन देखन हार स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा तू है, ऐसा जो शंखनाद फूका पूज्य गुरुदेव श्री ने कि तेरे पास तेरा परमात्मा मौजूद पड़ा है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भरा है वो तेरे में भरा पड़ा है, और वो चैतन्य तत्व में जो भरा पड़ा है वो ये आचार्य भगवान और साधक जीव तुझे दिखाते हैं कि तू हमारे सामने मत देख, तू तेरे सामने देख, तू तुझे देख, तू तेरे में चला जा, तेरा सब तेरे में पड़ा है, बाहर कुछ नहीं है तेरा। ऐसी जो देशना उसने अपने को दी, वो ऐसी परंपरा उसने चलाई कि शास्त्र का अर्थ सामने भी शास्त्र होवे और उसी का अर्थ जो पूज्य गुरुदेव श्री करे वो सामने भी उनके पास शास्त्र होवे, वो देखे कि इनका ये लिटी का ऐसे अर्थ होता है, ये लाइन का ऐसे अर्थ होता है, ऐसी एक परंपरा चलाएगी। तो अपने को आगम पढ़ना भी सिखाया, आगम में से अध्यात्म निकालना भी सिखाया। ऐसे ये गुरुदेव अपने परम उपकारी पुरुष है, उनका इसमें जो प्रवचन है तेई पूर्वक ज्ञेय में छपा हुआ है, प्रवचन नवनीत में भी छपा हुआ है, उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चलेगा। तो अभी अपन गाथा की शुरुआत करते हैं। पहले गाथा बोलेंगे ना अपन। नारणम अकारयम वेदयम आने विमाजम मोखम अमोदय जीवम चेवम। इसका गुजराती में वो गाथा का हरि गीत है, जम नेत्र तेम ज्ञान नथी कारक नथी वेद कय रे जाने ज कर्मो दय नीरजरा बंद ते मज मोक्ष ने। अब इसी कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव का दृष्टांत पूर्वक समर्थन करते हैं, छपा है ना उसमें वो अर्थ। जैसे चक्षु देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है, उसका कर्ता तथा भोक्ता नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी बंध मोक्ष कर्मों के उदय तथा कर्मों की निर्जरा को जानता ही है, कर्ता भोक्ता नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ये चक्षु है, चक्षु वो चक्षु क्या करती है, मात्र देखती है, माने कि वो कुछ कार्य कर नहीं सकती, मात्र देख सकती है। कुछ कार्य करना हो तो वो चक्षु का काम नहीं है, वो खाली देखना उसका काम है। ऐसे चक्षु का दृष्टांत देके आचार्य भगवान ने वो ज्ञान में उतारा है वो दृष्टांत। जैसे अपना आत्मा जो है, वो आत्मा भी क्या करता है कि वो मात्र जानता देखता है, वो कुछ कर सकता नहीं है।
शरीर की क्रिया नहीं कर सकता, कोई संयोग की क्रिया नहीं कर सकता, कर्मों की क्रिया नहीं कर सकता, कर्मों के निमित्त से उसका लक्ष्य से जो अपनी पर्याय में बहिर्लक्षी भाव होते हैं उसका भी कर्ता आत्मा नहीं हो सकता, वो क्रिया भी आत्मा नहीं कर सकता। शरीर और शरीर के संयोग में जो भी पदार्थ है वो नौ कर्म बोले जाते हैं, और जो द्रव्य कर्म है वो आठ कर्म है, उसको द्रव्य कर्म बोले जाते हैं, और उसके निमित्त से उसके लक्ष्य से जो अपनी पर्याय में बहिर्लक्षी भाव जो होते हैं उसको विभाव शुभाशुभ भाव यानी कि भाव कर्म बोले जाते हैं। ये कोई भी क्रिया जितनी भी होवे उसका कर्ता आत्मा बिल्कुल नहीं है। जो क्रिया होती है ये हाथ चलता है, जो वो क्रिया होती है तो आत्मा क्या करता है, जैसे चक्षु क्या करती है देखती है ये, ऐसे आत्मा क्या करता है मात्र जानता है कि ये हो रहा है, पर द्रव्य में ऐसा परिणमन हो रहा है ऐसा जानता है। ऐसे कर्म में जो भी क्रियाएं होती है, ऐसे भाव कर्म भी जो होते हैं, पुण्य पाप का भाव जो होता है विभाव रूप, वो क्रिया भी होती है उसको मात्र आत्मा जानता है, वो कुछ करता नहीं है। पाप भाव चलता हो अशुभ भाव चलता हो तो उसको शुभ भाव में परिवर्तित आत्मा नहीं कर सकता है, शुभ भाव चलता हो तो उसको शुद्ध भाव में परिवर्तित आत्मा नहीं कर सकता है। आत्मा मात्र जानता है कि ये शुभ भाव चल रहा था, ये अशुभ भाव चल रहा था, अभी शुद्ध भाव चल रहा है, मात्र आत्मा दूर रह के जानता है कि ये होने योग हो रहा है, मैं तो जाननहार हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं, मैं इसका रचने वाला नहीं हूं, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं त्याग करने वाला नहीं हूं, मैं ग्रहण करने वाला नहीं हूं। जो 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 क्रियाएं चलती रहती है उसका मात्र जानने वाला आत्मा है, कुछ भी आत्मा करने वाला नहीं है। क्यों करने वाला नहीं है? क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो पर पदार्थ का कि पर भाव का कुछ कर सके। आत्मा में करने की शक्ति 1% भी नहीं है, और आत्मा में जानने की शक्ति 100% पड़ी हुई है। करने की कोई शक्ति ही नहीं कि आत्मा कुछ कर सके, पर द्रव्य का कि पर भाव का कुछ करे ऐसी कोई शक्ति आत्मा में है ही नहीं। इसलिए आत्मा अकर्ता है, इसलिए आत्मा करने वाला नहीं है, इसलिए जो भी क्रियाएं होती है उसको मात्र जानता है, उसको फिरा नहीं सकता है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकता है, उसको बदल के अपने सन्मुख पर्याय को द्रव्य ला नहीं सकता है। शुभाशुभ क्रिया तो कर नहीं सकता है, पर द्रव्य की क्रिया तो कर नहीं सकता है, मगर अपने द्रव्य की अपनी जो पर्याय है वो पर्याय को भी अपने सन्मुख लाने का कार्य त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा कर नहीं सकता है। माने कि शुद्ध पर्याय की क्रिया का कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं है, ऐसा वो जानने देखने वाला आत्मा है, ऐसा वो स्वरूपस्थ आत्मा है, ऐसा वो ज्ञान दर्शन चेतना से परिपूर्ण भरा पड़ा हुआ आत्मा है, ऐसा एक रूप अखंड चैतन्य तत्व है, ऐसा परम परिणामिक भाव लक्षण से भरा हुआ पदार्थ वो आत्मा है, वो आत्मा है, ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है। यानी कि आत्मा ऐसा नहीं है मैं ऐसा हूं, आत्मा ऐसा है ऐसा लगे कि कोई दूसरे की बात चल रही है, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी चैतन्यता ऐसी है, मेरी परिपूर्णता ऐसी है, मैं लबालब ज्ञान आनंद से भरा पड़ा हुआ आत्मा हूं,
इस तरीके से ये आत्मा को देखने लायक है कि मेरे पास चैतन्य तत्व है, मेरे पास है वो भी दूरी हो जाती है, मेरे पास चैतन्य तत्व है वो भी चैतन्य तत्व की दूरी हो जाती है, मैं ही चैतन्य तत्व हूं, मेरे पास है वो पर्याय की तरफ से बात है, मैं हूं वो द्रव्य से बात है। माने कि ऐसा स्वभाव है मेरा, ऐसी मेरी निज निधि है, ऐसा मेरी अखंडता भरी हुई है, ऐसी मेरी अभेदता अंदर भरी हुई है, ऐसा चैतन्य तत्व क्या करता है कि मात्र जानता है, जानने की क्रिया भी नहीं करता है, जानने की क्रिया का भी करता नहीं है आत्मा, जानना स्वभाव है उसका, वो जानना 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 वो स्वभाव है उसका, जानने की क्रिया पर्याय में चलती है और जानना स्वभाव द्रव्य में पड़ा है, आत्मा मात्र जाननहार है, कुछ करने वाला आत्मा नहीं है। यहां तक कि ज्ञान में अपने आत्मा को जानने की क्रिया होवे उसका भी आत्मा करता नहीं है, ऐसा अकर्ता स्वभाव ही परिपूर्ण तत्व है, ऐसा अखंडता से भरा हुआ परिपूर्ण तत्व है, ऐसा अकर्ता स्वभावी, ऐसा ज्ञाता स्वभावी, ऐसा जानन देखनहार वो मैं हूं, ऐसी मेरी निज निधि अंदर पड़ी है, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसी भगवान आत्मा की गाथा है ये, यानी कि मेरी गाथा है ये मेरे लिए लिखी हुई है, मुझे दिखाने के लिए ये गाथा आचार्य भगवान ने लिखी हुई है कि तेरा स्वरूप ऐसा बच गया है, कितना भी बहिर्लक्ष परिणमन पर्याय में तेरा हो जाए, मोह राग द्वेष चलता रहे, फिर भी भगवान आत्मा में वो मोह राग द्वेष का एक कण भी अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। यानी कि मोह राग द्वेष होता रहे उसको रखना है और भगवान आत्मा ऐसा है, ऐसा नहीं है, मगर भगवान आत्मा की जिसको ऐसी महिमा आती है, ऐसा स्वरूप का अंदर से भाव चलता है, उसको मोह राग द्वेष खड़ा ही नहीं होता है, वो चले जाते हैं। मेहमान होते हैं ना, मेहमान अपने यहां आते हैं ना, जैसे आप क्या बोलते हो, मेहमान ही बोलते हो, वो अपने घर में आते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, उसकी बहुत आगता स्वागता करते हैं, स्वागत सत्कार बहुत करते हैं, उसको अच्छी तरह से रखते हैं उनको, क्योंकि अपने को पता है कि ये 2-3 दिन के लिए ही है, हैं? फिर तो चले जाने वाले हैं, तो इतनी आदर सत्कार करते हैं, इतनी आदर सत्कार करते हैं। ऐसे मोहराग द्वेष है ना, वो ऐसे मेहमान है, जब तक आप उनका आदर सत्कार करोगे ना, तब तक वो जाएंगे नहीं, ये मेहमान जैसा है। जब उनकी तरफ से आप अपना ज्ञान और अपना भाव को उठाओगे, और वो जो भाव कहां से आता है, वो ज्ञान जो कहां से आता है, उसकी खान कहां पड़ी है, उसका स्रोत कहां से बहता है, उधर जब आप चले जाओगे ने, तो वो ये टिकेगा ही नहीं, ये तो अपने आप चले जाएंगे। जैसे मेहमान का आदर सत्कार करते हो, उसके सामने देखना ही बंद कर दो, उसको बुलाओ ही नहीं, तो दूसरी बार आएंगे ही नहीं वो, कि इनके घर के जाने लायक नहीं है। ऐसे मोह राग द्वेष ऐसे भाव है, उसके सामने जब तक तुम देखते रहोगे ने, तब तक तो वो चलते ही रहेंगे, वहां से मुंह मुड़ा लोगे तुम और अपने स्वभाव की तरफ देखने लगोगे, तो वो उत्पन्न ही नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, उसी का नाम कि वो चले गए, माने कि उसको छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, ऐसा बोला जाता है। इसे मोहराग द्वेष को रखने के लिए, माने कि ये है और ऐसा भगवान आत्मा है, ऐसी बात नहीं करनी है, मगर उसके होते हुए भी भगवान आत्मा में कुछ वधघट नहीं होती है, भगवान आत्मा की परिपूर्णता को कुछ आंच नहीं आती है। मोह राग द्वेष के परिणाम है पर्याय में, उसमें वो चलते हैं, उसके हिसाब से द्रव्य में कुछ अपूर्णता नहीं होती है, द्रव्य का कोई अंश मोह राग द्वेष रूप नहीं होता है, द्रव्य अंशी पूरा है,
वो अंशी में कुछ नहीं होता है, पर्याय में कितना भी कुछ भी हो जाए फिर भी त्रिकाली द्रव्य वो जो होता है उसको भी जानता देखता है। वो दूर रह के कुछ करता नहीं है, कुछ फिराता नहीं है, अपने पास लाने की कोशिश भी वो नहीं करता है, क्योंकि वो तो खुद परिपूर्ण है। जो अपूर्ण है वो अपूर्ण को पूर्ण होने के लिए पूर्ण के पास जाना है, जो परिपूर्ण है वो तो कृतकृत्य है, उसको क्या है, वो तो ऐसा ना ऐसा ही है, वो तो भगवान आत्मा है, वो तो ध्रुव परमात्मा है, वो तो चैतन्य परमात्मा है, तो अखंड एक रूप आत्मा है, अभेद आत्मा है, शाश्वत आत्मा है, ऐसा ज्ञान दर्शन से भरा पड़ा आत्मा है, वो निज निधि मैं हूं। इस तरह सोच के ये गाथा समझनी है अपने को। इस तरीके से अपन सोच के इसको समझेंगे तो भगवान आत्मा की इतनी महिमा आएगी, इतनी महिमा आएगी कि वो महिमा में ने महिमा में अपना भाव में भाषण होके अपनी पर्याय द्रव्य की सन्मुख होती ही चलती रहेगी। ऐसा ये भगवान आत्मा को दिखाने वाली अपूर्व से अपूर्व गाथा है कि इसमें कोई भी पदार्थ का कर्ता भोक्ता आत्मा हो ही नहीं सकता। पर द्रव्य का नहीं, पर भाव का नहीं, और स्वभाव का कर्ता भी आत्मा नहीं है। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा अकर्ता स्वभावी परमात्मा, ऐसा जानने देखने वाला आत्मा वो मैं हूं, ऐसा इसमें कहने चाहते हैं कि जैसे चक्षु देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी, ज्ञान माने शुद्ध आत्मा, ज्ञान माने ज्ञान की पर्याय नहीं, ज्ञान माने शुद्ध आत्मा, त्रिकारी आत्मा, द्रव्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, वो ज्ञान भी बंध मोक्ष कर्मों के उदय और कर्मों की निर्जरा को जानता ही है, कर्ता भोक्ता नहीं होता। माने कि वो मात्र जाननहार, मात्र जाननहार, मात्र जाननहार रहता है। कर्म उदय में आया जानता है, कर्म का उदय का निमित्त से बंध की पर्याय हुई जानता है, बंध का अभाव होकर मोक्ष मार्ग की एक समयवर्ती पर्याय हुई जानता है, और मोक्ष मार्ग की पर्याय का कारण बनाकर मोक्ष पर्याय हुई तो भी आत्मा जानता है। ना तो बंध को करता है, ना तो मोक्ष मार्ग को करता है, ना तो मोक्ष को करता है, मात्र जानने वाला आत्मा है। जैसे चक्षु बाहर के पदार्थ को दूर रहकर देखती रहती है, कुछ कर नहीं सकती है। आचार्य भगवान ने ऐसा दृष्टांत चक्षु का दिया है कि रोज की अपनी दैनिक क्रिया में ये अपने को पता चलता है। अपन समय समय पर भेदमान कर सकते हैं कि ये चक्षु है वो कुछ कर तो नहीं सकती, मात्र देखती है, कुछ भी हो जाए तो भी चक्षु कुछ नहीं कर सकती, मात्र देखती ही रहती है, देखती रहती, देखती रहती है। ऐसे आत्मा मात्र जानता ही है, मात्र जानता ही है, मात्र जानता ही है, कुछ करता नहीं है। करता नहीं है क्यों? कर सकता नहीं है, उसमें ऐसी शक्ति ही नहीं करने की कि कुछ कर ले। पूज्य गुरुदेव श्री बार बार फरमाते हैं कि आत्मा राग क्यों नहीं करता है, राग का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि राग करने की कोई आत्मा में शक्ति के गुण है ही नहीं कि वो राग को करे, ऐसी कोई शक्ति ही नहीं उसमें, ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि राग का कर्ता हो जाए, कि वो उसको निमित्त बना के राग हो जाए, ऐसा कोई गुण ही नहीं है। इसलिए राग का कर्ता नहीं है, इसलिए पर का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, पर भाव का कर्ता नहीं है, और अपना त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से जो स्वभाव प्रकट होवे, सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसका भी कर्ता आत्मा नहीं है। ऐसा इसमें कहना चाहते है कि अनादि काल से जीव को कर्ता बुद्धि पड़ी है, मैं इसका करता हूं, इसका करता हूं, इसका करता हूं, इसका करता हूं, ये मेरे कारण होता है, मेरी हाजिरी नहीं होती तो ये कार्य होता ही नहीं। वो अपना निमित्तपना बोलता है कि मैं इसमें निमित्त हूं मात्र, मगर वो मानता है करता, बोलता है निमित्त, मानता है करता। ऐसे कर्तापना अनादि से जीव की पर्याय में कर्ता बुद्धि चलती है, अहम भाव चलता है,
ममकार चलता है, ममत्व भाव चलता है, वो उसको मिटाने के लिए ये 320वीं गाथा लिखी है कि तू कुछ भी कर सकता नहीं है। अगर कुछ कर सकता हो ना आत्मा, तो कोई भी जीव को अशुभ भाव का परिणमन ही नहीं होवे, कोई भी जीव को शुभ भाव का परिणमन भी नहीं होवे, अकेला शुद्ध भाव का ही परिणमन होवे। क्योंकि आत्मा करे तो आत्मा शुद्ध भाव ही करे ना, क्यों शुभ भाव और अशुभ भाव करे? अच्छा, आत्मा करे तो सम्यक दर्शन क्यों करे? केवल ज्ञान ही करे ना, तो आत्मा करता नहीं है, अनादि से कर्ता बुद्धि चलती है। मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, मगर वो कर्ता सचमुच में नहीं है, बन भी नहीं सकता है कभी। ऐसी पहले में पहली विकल्पात्मक दशा में भी अपना ज्ञान में ऐसा निर्णय करना चाहिए। इसमें गाथा चले, गाथा सुने तो अकर्ता तो स्वभावी है, मगर ऐसा निर्णय होना चाहिए। ये निर्णय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ऐसा जीव को निर्णय नहीं होता है कि मैं अकर्ता स्वभावी हूं और मैं पर का प्रभाव का कि स्वभाव का कुछ करता हूं नहीं, ऐसा निर्णय अस्ति नास्ति अनेकांत से जब तक नहीं होता, तब तक वो निर्णय के बिना मात्र ये बोलना रह जाता है, मगर भाव भाषण होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए सबसे पहले में पहले आचार्य भगवान ने जो फरमाया है, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो उसका स्पष्टीकरण किया है कि भगवान आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, ऐसा प्रथम में प्रथम भूमिका में अपने को निर्णय करना चाहिए। 17-18 गाथा में आचार्य भगवान ने बोला है कि सबसे पहले में पहले तू निर्णय कर कि मैं भगवान आत्मा हूं। सबसे पहले में पहले तू निर्णय कर कि मैं भगवान आत्मा हूं, और बाद में तू ऐसा सोच कि मैं भगवान आत्मा तो हूं और भगवान आत्मा ही मुझे जानने में आ रहा है। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में लिख दिया। कुनकुंद आचार्य ने लिखा कि पहले में पहले भगवान आत्मा में हूं ऐसा नक्की कर, ऐसा निर्णय कर, और अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कि भगवान आत्मा तो तू है ही, मगर भगवान आत्मा ही तेरा ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, दूसरा कुछ जानने में नहीं आ रहा, यही जानने में आ रहा, यही जानने में आ रहा, तू ऐसा है और तुझे यही जानने में आ रहा है, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा। तो ये आचार्य की जो शैली और परंपरा है ने, वो भवी जीव को ज्ञायक और ज्ञान में से कभी च्युत होने नहीं देते। वो या तो ज्ञायक में उसको रखते हैं, या तो वहां से भी कोई भी भेद में आवे ने तो ज्ञायक का जो भेद ज्ञान है वहां तक ही उसकी सीमा है, वहां तक ही उसकी बाउंड्री है, वहां तक ही वो आत्मा बसता है, उसके बाहर आत्मा कहीं है ही नहीं। आत्मा है तो अभेद अपेक्षा से आत्मा में है, और भेद अपेक्षा से देखो तो ज्ञान क्रिया में विद्यमान है, उसके अलावा उसकी कोई क्रिया भी नहीं है। ज्ञान क्रिया के अलावा कि क्रोधादि क्रिया, करोति क्रिया, ऐसी कोई क्रिया आत्मा की नहीं है। आत्मा की एक ही क्रिया है ज्ञान क्रिया, और ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से वो निषेध हो सकती नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान फरमाते हैं कि तू मात्र जानने वाला है, मात्र देखने वाला है, मात्र स्वभावस्थ है, स्वरूपस्थ है, ज्ञाता दृष्टा है, अकारक है, अवेदक है, अकर्ता है, अभोक्ता है, ऐसा तेरा स्वभाव बच गया है। ऐसी स्वभाव की तू महिमा अंदर से ला, अंदर से तू ऐसा विचार कर कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, फिर कौन से परिणाम को मैं फिराने का प्रयत्न करूं, कौन से परिणाम को मैं छोड़ने का प्रयत्न करूं, और कौन से परिणाम मैं प्रकट करने का प्रयत्न करूं, क्योंकि मेरे हाथ में परिणाम की बाजी है ही नहीं। मैं तो द्रव्य स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो कृतकृत्य परमात्मा हूं, मैं मात्र जान सकता हूं, मात्र देख सकता हूं कि परिणाम ऐसे होते हैं, परिणाम ऐसे होते हैं, ऐसा जानना उसको भी व्यवहार कहा जाता है।
मैं मेरे को ही जानता रहूं उसका नाम निश्चय है। परिणाम को जानना, परिणाम को करना वो तो अज्ञान है, और परिणाम को जानना उसका नाम व्यवहार है, और आत्मा आत्मा को जाने उसका नाम निश्चय है। ऐसा आत्मा का स्वभाव ये 320 गाथा में बताया है, और इसमें जानना देखना सिद्ध किया है। अभी इसमें टीका चालू करते हैं अपन, ये तो ऊपर से अर्थ था उसका। टीका में लिखा है, दिट्ठी स्वयं पीड़ाणम अकार्यतः अवेदयम चेह, जैसे चक्षु अग्नि रूप दृष्टा को देखता है किंतु जलाने वाले पुरुष के समान वह उसे जलाता नहीं है, तथा तप्तायमान लोह पिंड के समान वह उसे अनुभव रूप से वेत्ता भोक्ता भी नहीं है। माने कि यही बात दोहराई है कि जैसे चक्षु कुछ कर सकती नहीं है, मात्र देखती है, ऐसे इसमें जो दूसरा उदाहरण भी दिया है ना, अग्नि रूप द्रव्य अग्नि रूप दृश्य को देखता है किंतु जलाने वाले पुरुष के समान वह जलाता नहीं है। जलाने वाला पुरुष जो जलाता है कोई पदार्थ को, तो वो उसको भी चक्षु क्या करती है, देखती है, वो जला नहीं सकती, और जलता है उसको बुझा भी नहीं सकती, चक्षु मात्र देखती है, वो देखने वाली है, दूर से देखती है, वहां होता है उसमें अभेद होके भी नहीं देखती है, वहां जाके नहीं देखती है, दूर होके देखती है। माने आत्मा भी दूर होके जानता है, वो दूर ही रहता है, अपनी पर्याय में जो भाव चलता है उससे आत्मा दूर होके जानता है कि ऐसा भाव हो रहा है, शुभाशुभ भाव हो रहा है या शुद्ध भाव हो रहा है, विभाव हो रहा है या स्वभाव प्रकट हुआ है, बंद हो रहा है या मोक्ष हो रहा है, मोक्ष मार्ग हो रहा है या मोक्ष हो रहा है। बस आत्मा मात्र जानता देखता, जानने देखने वाला है, कुछ करने वाला है ही नहीं। ऐसा अकर्ता स्वभावी, ध्रुव स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, अखंड स्वभावी, एक रूप स्वभावी आत्मा है, वो ही मैं हूं, ऐसी मेरी परिपूर्णता है। जैसी सिद्ध भगवान जानने देखने वाला है ना, ऐसे अपना आत्मा भी जानने देखने वाला है। सिद्ध भगवान कुछ करता नहीं है, ऐसे अपना आत्मा भी कुछ करता नहीं। ऐसा गुरुदेव का एक बोल आया है कि सिद्ध भगवान जैसे जानने देखने वाला है, ऐसे तू भी जानने देखने वाला है, उससे जरा भी तू खिसका, सिद्ध भगवान से जरा भी तू खिसका तो अनंत कर्तृत्व बुद्धि में चला जाएगा तू। वो जैसा जानने देखने वाला है, ऐसा तू भी मात्र जानने देखने वाला है, उधर से जरा भी तू खिसका तो अनंती कर्तृत्व बुद्धि में तू चला जाएगा। इसलिए ये सब ज्ञानियों ने कह के अपने स्वभाव की महिमा दिखाई है कि तेरा स्वभाव ऐसा बच गया है, तू जब वहां दृष्टि करेगा उसी टाइम तेरा भव का अंत आ जाएगा। बस एक समय की कमाई अनंत काल तक खाएगा, ऐसा ये तेरा परिपूर्ण परमात्मा है, चैतन्य तत्व है, शुद्ध तत्व है, उसमें अशुद्धता की कोई गंध नहीं है, कोई छांट नहीं है, अशुद्धता अंदर से आती भी नहीं है। पर्याय में अशुद्धता जो प्रति समय बहिर्लक से प्रकट होती है, वो भी उसकी क्षणिक अशुद्ध उपादान से होती है, और निमित नैमितिक से देखो तो बाह्य निमित है, और निमित का लक्ष्य करके यहां अपनी पर्याय में नैमितिक पना प्रकट होता है। ऐसा निमित नैमितिक संबंध भी वही पर्याय में है, और वही पर्याय में क्षणिक उपादान से अशुद्धता का या क्षणिक शुद्ध उपादान से शुद्धता का जन्म होता है। ऐसे क्षणिक शुद्ध उपादान होवे पर्याय में, क्षणिक अशुद्ध उपादान होवे कि नैमितिक निमित संबंध होवे, उसका भी कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा वो सब भावों से पृथक रहता है, जुदा रहता है, उसके साथ संबंध रखने वाला वो नहीं है। परिणाम की अस्ति मगर मेरे में उसकी नास्ति है, ऐसा मेरा परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा मेरा स्वभाव है। परिणाम, सोगानी जी बोलते हैं कि परिणाम को परिणाम में रहने दो, परिणाम को परिणाम में रहने दो, मैं तो अपरिणामी हूं, परिणाम को परिणाम में रहने दो, परिणाम को हटाओ मत,
परिणाम को दूर करने का प्रयत्न मत करो, राग को दूर करने का प्रयत्न मत करो, राग मेरे में नहीं है ऐसा सोचो तो राग की उत्पत्ति नहीं होगी। राग को दूर करने जाओगे तो वहां राग ही होता रहेगा, क्योंकि सन्मुखता तो राग पर है। राग मेरे में नहीं है, मैं वितरागी तत्व हूं, ऐसा सोचने वाले की पर्याय में राग का जन्म ही नहीं होता है। ऐसी सोच ये अकर्ता स्वभावी परमात्मा की है। और ऐसी गाथा जो अपन सुनेंगे तो मैं अकर्ता स्वभावी हूं ऐसा ही निर्णय करके ये सुनना, तो इसकी मजा इतनी है, इसमें इतना रहस्य भरा है। इसमें विषय सब आएंगे, इसमें सकाम मकाम निर्जरा वाला विषय आएगा, इसमें पांच भाव की बात आएगी, इसमें भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक की भाव आएगी, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक की बात आएगी, चार भाव की पर्याय रूप चार भाव है उसकी भी बात आएगी। अपन सब चर्चा लेंगे, मगर वो सब चर्चा करते समय भी ये भूलना नहीं कि मैं ये परिणाम का कुछ करने वाला नहीं हूं। ये होता है, ये मेरी पर्याय में हो रहा है, पुद्गल में नहीं हो रहा है। ये सब जो परिणमन हो रहा है, चार भाव रूप परिणमन, औदयिक औपशमिक स्वयोपशमिक के सायिक, वो चार भाव पर्याय रूप है। वो जो भी रागादि भाव का परिणमन हो रहा है, या तो औपशमिक स्वयोपशमिक सायिक वितरागी भाव का जो परिणमन हो रहा है, वो सब मेरी पर्याय में हो रहा है। वो मेरी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय नहीं है। राग की पर्याय भी मेरी पर्याय है, भले वो पुद्गल के लक्ष्य से होती हो, इसलिए उसको पुद्गल भी बोला जाता है, मगर वो मेरी ही पर्याय है। ऐसी चार भाव रूप पर्याय है, उसकी भी बात चलेगी। जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक भाव है उसकी भी बात चलेगी, मगर वो सुनते समय विचार ऐसा करना कि यहां कहीं मैं नहीं हूं, मुझे यहां ढूंढोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, उससे दूर में हूं, उससे पृथक में हूं, उससे निराला में हूं, ऐसा निर्लेप चैतन्य तत्व है वो मैं हूं, ऐसा समझ के ऐसा भाव में रख के अगर इसका स्वाध्याय करेंगे तो भाव का भाषण होने में देर नहीं लगेगी। ऐसा जो मार्ग तीर्थंकरों ने आचार्यों ने जो फरमाया है और पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण किया है, वो सर्वभवी जीवो अपने ऐसा स्वरूप को स्मरण करके, ऐसा स्वरूप का अहम करके मोक्ष मार्ग रूप परिणम के मोक्ष लक्ष्मी को सदैव प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना।